जिम में ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते, थकावट होती है या डिहाइड्रेशन होती है, या ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते, तो ये एक सप्लीमेंट जरूर ऐड करें आज से ही और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो कि बहुत जरूरी हो जाते हैं अगर आप वर्कआउट करते हो और अगर आप मसल डेवलप करना चाहते हो, तो ये सप्लीमेंट जरूर अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू देने जा रहा हूं। ये है एज इट इज कंपनी का एटम BCAA। ये मैंने काफी देर से यूज किया, करवाया और इसके रिजल्ट मुझे बहुत बढ़िया लगे, तो कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट आपके साथ में जो है साझे करने जा रहा हूं। सबसे पहले BCAA, जो ये BCAA, ये बेस्ट इंट्रा वर्कआउट BCAA है, जो कि आपको ड्यूरिंग वर्कआउट हाइड्रेट भी रखेगा, एनर्जी भी देगा और वर्कआउट में आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। तो तीनों ही चीजें आपको बेनिफिट इसमें मिलेंगे। सबसे पहली चीज, इसके एक स्कूप में आपको 5 ग्राम BCAA मिलेगा और L-carnitine भी मौजूद है। L-carnitine जो होता है वो फैट बर्न करता है, फैट सेल्स को बर्न करके हमें एनर्जी देता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है जिम में बढ़िया रहती है। नेक्स्ट चीज जो है वो है, इसमें जो मौजूद है वो है L-arginine और L-citrulline। L-arginine और L-citrulline का काम होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ा के जो है हमें हेल्प करता है, मसल जल्दी पंप होगा, अच्छा पंप होगा और अगर फैट परसेंटेज लो होगी बॉडी की तो वैस्कुलरिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है L-arginine और L-citrulline। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है L-glutamine। L-glutamine जो है मसल सॉरनेस, हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल जो है सॉर हो जाता है, फटीक हो जाती है, तो मसल सॉरनेस को खत्म करने के लिए और फटीक जो होती है उसको रिकवर करने के लिए मसल को, तो L-glutamine का बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पे रहता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है और ये आपको मिल जाएगा वाटरमेलन फ्लेवर में, बहुत टेस्टी फ्लेवर है इसका। और नेक्स्ट चीज जो मैं बताऊं इसके बारे में, ये फेवरेट इंट्रा वर्कआउट BCAA है सोनू सूद जी का और रवि दहिया जी, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट चीज जो है, ये आपको 2-स्टेप प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के साथ मिलेगा, फुल प्रूफिंग के साथ मिलेगा, ताकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट की गारंटी रहे, ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आपको मिले, ठीक है। उसके बाद GMP द्वारा सर्टिफाइड है, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है। और नेक्स्ट जो चीज है, जो एनी डोपिंग इंग्रेडिएंट्स जो माने जाते हैं नाडा वाडा द्वारा, उनसे फ्री है ये, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स मैं जैसे कि बताने जा रहा हूं, जो कि आप वे प्रोटीन के साथ ऐड करें तो आपके रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम जो है मैं BCAA के बारे में बताऊंगा। हालांकि BCAA के बारे में बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि BCAA के रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, फैट बर्निंग इफेक्ट में जब आप श्रेड कर रहे हो बॉडी को, उस टाइम BCAA का बहुत ही बढ़िया रोल रहता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी जो है वो कार्ब से डिप्लीट होती है, कार्बोहाइड्रेट इतने नहीं मिलते बॉडी को, और हम वर्कआउट करते हैं तो उस परफॉर्मेंस के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। हाँ, अगर हमारी बॉडी में सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो मसल सेल्स को ब्रेक डाउन करेगा ड्यूरिंग वर्कआउट, जिसके कारण हमारा मसल साइज लॉस हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है। उसको बचाने के लिए BCAA बहुत ही बढ़िया चॉइस रहती है, क्योंकि BCAA में जो मौजूद होते हैं, BCAA में जो कि मौजूद है ल्यूसीन, आइसोलिसिन, वलाइन, वो बेनिफिट देते हैं आपको ड्यूरिंग वर्कआउट, हाइड्रेट भी करेंगे, वाटर के साथ आपने इसको लेना है, 250-300 ml तक ले सकते हैं वाटर, और हाइड्रेट करने के साथ साथ आपको आपके मसल को ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे कैलोरीज में, BCAA वहां पे मसल को रोक के रखेगा, मसल को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा और आपको जो है वर्कआउट के दौरान जो है एनर्जी भी मिलती रहेगी, आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी वर्कआउट की। अगर आप इसको गेनिंग में भी यूज करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है, गेनिंग में ये इस तरीके से यूज होगा, अगर आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि कई लड़के होते हैं वो चाहते हैं लीन मसल गेनिंग में रहे, लीन मसल गेनिंग में ये है कि मसल भी गेन होता रहे और फैट जो है वो जो थोड़ा थोड़ा फैट गेन होता है, क्योंकि जब कैलोरी सरप्लस में रहते हैं तो थोड़ा फैट भी गेन होता है, उस फैट को रिमूव करने के लिए अगर आप एम्प्टी स्टमक जा रहे हो तो एम्प्टी स्टमक ना करो वर्कआउट, आप BCAA का एक स्कूप ले सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और फैट लॉस में भी हेल्प मिलेगी और BCAA आपके मसल को भी ब्रेकडाउन नहीं होने देगा। तो ये मेरी वीडियो थी स्पेशली BCAA के बारे में, मैंने बताया BCAA कैसे यूज किया जाता है, कैसे मसल गेनिंग में, कैसे फैट लॉस में इसको यूज करना है, कितना यूज करना है, तो ये फुल जानकारी है जो BCAA के बारे में जानना चाहते थे। और लास्ट में मैं फिर से कहूंगा, ये एज इट इज कंपनी का एटम BCAA है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे इसके रिजल्ट बढ़िया लगे, एटलीस्ट आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। टेक केयर, बाय।